नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नमस्कार, मैं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। सांसद सुदर्शन भगत आज भरनो के सीताराम साव सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मौके पर सांसद सुदर्शन भगत एवं भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में किया गया। इस मौके पर सांसद सुदर्शन भगत ने जीएन भारत के साथ खास बातचीत में हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि यह सरकार आदिवासी विरोधी है, यह सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। पूरे राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, आपराधिक गतिविधियां चरम पर है। सांसद सुदर्शन भगत ने यह भी कहा कि तुष्टीकरण के नाम पर वर्तमान सरकार मॉब लिंचिंग कानून बनाई है, जो धर्मांतरण को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जेपीएससी मामला को लेकर सरकार को तुरंत इससे निरस्त कर देना चाहिए। हमारे जीएन भारत के संवाददाता अभिषेक कुमार ने उनसे खास बातचीत की, तो आइए जानते हैं सांसद सुदर्शन भगत ने जीएन भारत के साथ खास मुलाकात में क्या कहा। आज झारखंड कांग्रेस जेएमएम राजद की संयुक्त सरकार आज अपने कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा किया है और आज पूरे 2 साल में मैं मानता हूँ कि झारखंड सरकार की पूरी विफलता ही है। किसी भी क्षेत्र में अपने घोषणा के अनुसार, अपने एजेंडा के अनुसार सरकार ने किसी भी कामों को पूरा करने का काम नहीं किया है। झारखंड सरकार अपने चुनावी घोषणा के मुताबिक झूठ बोलने का काम किया है और यहाँ के आम पब्लिक को प्रोपेगंडा फैला के झूठा आश्वासन देकर आज मैं समझता हूँ कि अपने घोषणाओं से आज मुकरने का काम कर रही है। दलित विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है और आज मैं मानता हूँ कि हमारी पिछली सरकारों ने जो किसानों के लिए किसान आशीर्वाद के नाम से जो बेहतर योजना प्रारंभ किया था, ऐसे योजनाओं को बंद करके आज किसानों के पैरों पर भी कुठाराघात करने का काम झारखंड सरकार ने किया है। वादा खिलाफी सरकार है और आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज इस 2 साल के अपने पूरे कार्यकाल में सरकार तो विफल ही रही, सभी क्षेत्रों में विफल रही, असफल रही है और कानून व्यवस्था के नाम से पूरे झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट है। आज अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं, आए दिन आज यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार की बड़ी घटनाएं, किसी ना किसी प्रकार की वारदात सुनने को मिलता है, चाहे हत्याएं हों, बलात्कार की घटनाएं हों, बढ़ते नक्सलियों की घटनाएं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं, आए दिन आज यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार की बड़ी घटनाएं, किसी ना किसी प्रकार की वारदात सुनने को मिलता है, चाहे हत्याएं हों, बलात्कार की घटनाएं हों, बढ़ते नक्सलियों की घटनाएं। गुमला जिला का कहा जाए कि जहाँ पर
पुलिसकर्मी रहते हैं, जहाँ पर थाना भी सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में गुमला जिला का कुरुमगढ़ जैसा थाना उड़ाया जाता है नक्सलियों के माध्यम से, और इसलिए आज कानून व्यवस्था भी इस राज्य की चौपट है। और आज सेफ सरकार एक तरह से कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अपना ढिंढोरा पीट रही है कि हमने दो साल में ये किया है, वो किया है, या गलत है। सरकार सभी क्षेत्रों में विफल हुई है। और एक सवाल सर, झारखंड जेपीएससी विवादों में घिरा हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है? आज झारखंड के युवा छात्र आंदोलनरत हैं जेपीएससी को लेकर, और सरकार की, राज्य सरकार की जो गलत नीति है, जेपीएससी की जो गलत नीति है, उसके कारण जो परीक्षा फल के जो परिणाम आए, अब उसके कारण मैं समझता हूँ कि पूरे राज्य भर के सभी परीक्षार्थी और सभी युवा छात्र आज चौक चौराहे पर आंदोलनरत हैं, सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा भवन तक। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार को संज्ञान में इस विषय को काफ़ी गंभीरता के साथ लेनी चाहिए, और जो भी छात्रों की मांग है, परीक्षार्थियों की जो भी डिमांड है, जो भी मांगे हैं, जो भी गलतियां हैं, उनको बड़ी बारीकी से जांच करके, अनुसंधान करके, जो भी दोषी पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों के ऊपर में सरकार कार्रवाई करे। और अभी का जो परीक्षा है, जो छात्रों की जो मांग है कि जेपीएससी की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करके सरकार पुनः जेपीएससी की परीक्षा कराए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।